अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। फिरोजाबाद में आज अचानक सिविल लाइन स्थित एआरटीओ कार्यालय पर नगर मजिस्ट्रेट कुंवर पंकज संघ, सीओ सदर बलदेव सिंह खनेड़ा, थाना मटसैना पहुंच गए। एआरटीओ कार्यालय स्टाफ में उन्हें देखकर खलबली मच गई। वहीं आसपास अक्सर मंडराने वाले दलाल किस्म के लोगों में भी अफरा तफरी मच गई और वे इधर उधर भागने लगे। इस दौरान नगर मजिस्ट्रेट कुंवर पंकज ने इधर उधर घूम रहे लोगों को रोक उनसे पूछताछ की तो दफ्तर के अंदर कामकाज के ढंग को भी देखा। वहीं सीओ सदर बलदेव सिंह खनेड़ा भी उनके साथ मौजूद रहे। बताया गया कि कई दिनों से यहां दलालों के घूमने की व अन्य शिकायतें मिल रही थी जिनको लेकर डीएम के निर्देशन में आकस्मिक निरीक्षण किया गया। कुछ लोग दीवारों से फलांग कर जाते हुए भी देखे गए लेकिन जो लोग यहां पर थे उन सभी पर अपना आधार कार्ड था, वे अपने काम से आए हुए थे। देखिए फिरोजाबाद से हमारे विशेष संवाददाता करण कुमार की एक खास रिपोर्ट। अधिकारियों को ये मीडिया के माध्यम से खबर लगी थी कि ऑफिस में काम दलालों की मार्फत ही हो रहे हैं, बाकी कार्य उनके मार्फत नहीं हो रहे हैं। इसको लेकर के मीडिया में शिकायतें थी, उसकी जांच। अरे नीचे करो यार, नीचे करो क्या है? जी सर, जी बोलिए। जांच पड़ताल करने के लिए आए हुए थे पकड़ा, लेकिन उनके आने से पहले ही वो सभी लोग खबरदार सब भाग गए। तो अधिकारियों द्वारा ये तथ्य फिर से कहा गया है कि वो दोबारा आएंगे और इस बार का जो उनका आगमन होगा वो अगली बार की तरह से, इस बार की तरह से ओपनली नहीं होगा, वो बाहर से हिट करते हुए आएंगे। आपके आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? मेरे स्तर से कार्रवाई यही है कि जो भी रेकरिंग ऑफिसेज में दिखाई दे रहे हैं जिनकी पुनरावृत्ति ज़्यादा है उनके नाम को चिन्हित करके मुझे जिला प्रशासन को सूचित करना है कि ये इनके द्वारा ये बार बार इस ऑफिस में दिखाई दे रहे हैं, इनके द्वारा गलत कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है या सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका अनर्थक निकाली जा रही है, जबकि मेरी इस ऑफिस में किसी भी अन्य प्रकार से किसी के सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। थैंक यू दोस्तों। क्या कर रही हो अंजलि, इतने में थैंक यू बोल रही हो? अभी तो इनको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, तब जाकर हम बोलेंगे इनको थैंक यू।